The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. TikTok बहुत पॉपुलर है। वीडियो 15 सेकंड से 1 मिनट, डांसिंग, लिप सिंक, डेंजरस स्टंट्स, चैलेंजेस, हैशटैग्स, राइट, उल्टे सीधे वीडियोस 800 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स, उससे भी ज्यादा, राइट। और एवरेज आदमी उस पर कितना टाइम बिता रहा है? एवरेज पर्सन 52 मिनट्स पर डे। अब बढ़ गया, 90% यूजर्स एक से ज्यादा बार टिकटॉक पे जा रहे हैं। ज्यादातर एवरेज जो टाइम माने एक बार जाते हैं तो कम से कम 5 मिनट तो जाते ही हैं, और 5 मिनट ज्यादा जितना वो इंस्टाग्राम या दूसरे स्नैपचैट पे जाते हैं उससे भी ज्यादा टाइम बिताया जा रहा है टिकटॉक पे। ये ज्यादातर यंग लोगों का, यंग लोग, टीनेज ग्रुप्स, छोटे छोटे बच्चे भी वहां जा रहे हैं, ऐसी जगह जहां पे कोई भी सेंसर नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार का वीडियो, कितना भी वो डबल मीनिंग हो, वायरल हो सकता है। और ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिनका कोई मतलब पॉजिटिव इफेक्ट हो या नेगेटिव इफेक्ट कह नहीं सकते। इसके बारे में भी आपसे बताएंगे कि टिकटॉक के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि क्या उसका नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट है दुनिया में, जहां पर हम एक पॉजिटिव इफेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते कि छोटे छोटे तबके के लोग भी ऊपर आ रहे हैं, और जो लोग घर में बोर हो रहे हो सकते हैं उनको कुछ जरिया मिल जाता है। सोशल मीडिया एंजाइटी जिसको होती है, सोशल एंजाइटी होती है, वो भी अपने वीडियोस बना के अपनी एंजाइटी को कम कर सकता है। सो कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन जब ऐसे किसी खतरनाक, वायरल और पावरफुल टूल को अनऑर्गेनाइज छोड़ दिया जाता है तो, और खासकर अगर उसमें एडल्ट वीडियोज या एडल्ट कंटेंट्स या जिसको हम डबल मीनिंग कंटेंट बोलते हैं वो आने लग जाता है, या एक मान लीजिए क्रिंज कंटेंट आने लग जाता है ज्यादा मात्रा में, तो वो एक बैड इन्फ्लुएंस बन जाता है। और इसीलिए ये बात फिर हमें करनी पड़ती है एज अ मेडिकल पर्सन कि एक पेरेंट को, एक यंग जनरेशन को, एक यंग पर्सन, टीनेज ग्रुप के बच्चे को, एक जिम्मेदार बच्चे को जिसको आगे चल के कुछ बनना है, कुछ बनने से सिर्फ इन्फ्लुएंसर बनना नहीं होता। इन्फ्लुएंसर, बैड इन्फ्लुएंसर क्या होता है या आपने ऑलरेडी देखा, अगर हमारे वीडियो में नहीं देखा तो देख लीजिएगा। टिकटॉक का इन्फ्लुएंस आपके बच्चे पे, आपके खुद के माइंड पे अच्छा हो रहा है या बुरा, या आपको डिसाइड करना है। अगर हम पेरेंट्स से पूछेंगे तो ज्यादातर पेरेंट्स कहते हैं कि टिकटॉक का आप बच्चों के ऊपर इफेक्ट बुरा पड़ता है, बुरा पड़ता है, क्योंकि बच्चे और माँ बाप ये नहीं देखते कि उनका बच्चा आगे जाके टिकटॉक स्टार बनेगा। आज के डेट में आप ये देख लो, टिकटॉक के जितने इन्फ्लुएंसर बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं उसमें भी एक लिमिट है, उसमें भी एक सैचुरेशन है। उसमें 100, 200, 500 लोग नहीं हो सकते, राइट। उसमें कुछ लोग हैं, जब भी बात आती है कुछ ही लोगों की आती है, और अगर आप आगे बढ़ के कुछ बनोगे भी तो कुछ ही लिमिटेड बनोगे, कुछ लिमिटेड लोग बनोगे, लेकिन है वहां करोड़ों, 800 मिलियन, इतने सारे लोग, सबके सब तो नहीं बन जाएंगे, लेकिन इन्फ्लुएंस सब हो रहे हैं, कोशिश सब कर रहे हैं, और कई सारे लोग हद से ज्यादा देख रहे हैं, हद से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, और यहां पर प्रॉब्लम है। जहां पे हद पार हो जाती है वहां पे प्रॉब्लम है, वहां पर देयर इज अ बिग पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ टिकटॉक। उसमें हम 5 बड़े नेगेटिव इफेक्ट्स आपके सामने डालेंगे जो आपके, आपके बच्चों के, आपके भाई बहनों के, आपके खुद के, अगर आप समझदार हो भाई साहब, अगर आप टिकटॉक देख सकते हो, छोटे भी हो, 10 साल के भी हो, तो भी थोड़ा बहुत तो समझते ही हो, राइट। आपको समझना होगा कि ये एक एंडलेस स्ट्रीम एडिक्शन बन सकती है। बच्चे, स्टूडेंट्स बहुत सारा टाइम बिता रहे हैं जो एडिक्ट हो जा रहे हैं, अननेसेसरी टाइम स्पेंड कर रहे हैं टिकटॉक पे। बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीजें, फिजिकल एक्सरसाइज, नींद, पढ़ाई, खाना पीना छोड़ के भी कई लोग टिकटॉक पे चढ़ रहे हैं। दैट इज एन एडिक्शन, दैट इज रॉन्ग। नंबर टू, कई सारे लोग बच्चे टिकटॉक पे बुली होते हैं, एक दूसरे की खिंचाई करते हैं। दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग। किसी ने एक वीडियो ले लिया, उस वीडियो की उस आवाज की मजाक उड़ाते हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ बुलिंग हैपनिंग ऑन टिकटॉक। अगर आपने एक टिकटॉक बना लिया और वो किसी को मजाकिया लगा, तो हो सकता है आपकी रियल जिंदगी में आपका मजाक उड़ने लग जाए, अगले दिन स्कूल में, अगले दिन गली में आपका मजाक उड़ने लग जाए। बुलिंग इज वेरी 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 कॉमनली सीन विद टिकटॉक। थर्ड थिंग इज कंपैरिजन। बहुत आसान है लोगों का हैशटैग बनाना, ये चैलेंज वो चैलेंज, मेरा उससे कंपैरिजन, उसके दो इसके मिलियन व्यूज, मेरे इतने से व्यूज, इतना कंपैरिजन। और कई बार ये चैलेंजेस जो हैं डेंजरस हो जाते हैं, इनअप्रोप्रिएट हो जाते हैं, आपके लिए शर्मनाक भी हो जाते हैं। कई चैलेंजेस खराब है, राइट? तो कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो बैड। एक पीयर प्रेशर आ जाता है आपके ऊपर वही चीज करने का जो दुनिया कर रही है, वो कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। दैट इज नॉट गुड, दैट इज अ बैड ट्रेंड। अनलेस एंड अनटिल ये कंपैरिजन पे कंट्रोल लाया जाए। कुछ भी हैशटैग निकाल देना अलाउड नहीं होना चाहिए टिकटॉक पे, वो अप्रूव होने के बाद में हैशटैग बनवाना चाहिए। दैट इज द पॉइंट। सेफ्टी कंसर्न्स भी बहुत हैं। फोर्थ पॉइंट है यहां पे, आप अगर छोटे हैं, फीमेल हो या मेल हो, आपके डाला गया हुआ वीडियो, आपके डाला गया हुआ फोटो टिकटॉक पे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। याद रखिए, आज डाली हुई चीज सालों बाद आपके सामने आ सकती है, एकदम गलत तरीके से इस्तेमाल। आपको ये सोचना है, एक बार जो आपने सोशल मीडिया पे डाल दिया वो वहां हमेशा के लिए है। ये बात मान के चला करो, कुछ भी मत डाला करो। याद रखो, चाहे वो एक फेशियल एक्सप्रेशन हो, चाहे वो एक ड्रेस हो, चाहे कुछ भी हो। सो प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड द सेफ्टी कंसर्न। बहुत बहुत प्रेडेटर्स जैसे लोग भी बैठे हैं जो ऐसे ऐसे कंटेंट ढूंढते हैं जिसको वो सॉलिसाइट करें, एक्सप्लॉइट करें छोटे छोटे माइनर बच्चों को। सो रिमेंबर, अपने बच्चों को, अपने इनको ये बात बताओ कि उसमें क्या डालना क्या नहीं डालना यार। और इसी पे हम आपको एडवाइस भी देंगे लास्ट में। बट पांचवा पॉइंट है मेंटल हेल्थ। कई एक्सपर्ट्स ये भी रिपोर्ट करते हैं कि ट्रिगरिंग कंटेंट है टिकटॉक पे, कुछ ट्रिगरिंग कंटेंट जो कि आपको, जैसे अगर आप देखेंगे सेल्फ हार्म करने वाले कंटेंट्स हैं, जो ऐसे ऐसे वीडियो जो सैड सॉन्ग पे बनाए जाते हैं, जो और जो ऐसे वीडियोस है जो ईटिंग करने के लिए 10-10 चीज़ें खा रहे हैं, 25-25 चीज़ें खा रहे हैं, इतना इतना सारा खा रहे हैं। दैट इज़ नॉट हेल्दी, वो गलत है। सेल्फ हार्म होता है उससे, आपका सेल्फ एस्टीम अच्छी नहीं हो रही है, खराब हो रही है। सो दैट इज नॉट डूइंग गुड टू योर मेंटल हेल्थ। यू आर नॉट गोइंग टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर बाय देन। आप कुछ बहुत बढ़िया नहीं कर रहे। टिकटॉक फन है, क्रिएटिव है, और डांस कॉम्प्लिक और बाकी फनी जोक्स बहुत अच्छे हैं, शो ऑफ करना अपना टैलेंट बहुत अच्छा है, गेटिंग नोटिसेबल इज गुड, राइट? बट देयर हैज टू बी सम लिमिटेशंस। वहां पर कोई तो होना चाहिए लकीर खींचने वाला। सो अगर आप एक पेरेंट हैं, अपने बच्चे को रोकना चाहते हैं, तो अपने बच्चे का यूजर नेम और अकाउंट को फॉलो करें। और यंग बच्चे जो हैं वो अपने सारे, बहुत छोटे हैं तो अपने अकाउंट को प्राइवेट कर दो। टिकटॉक में एक फैमिली पेयरिंग फीचर भी है और एक फैमिली प्रोटेक्शन वाला वो जो फीचर होता है वो भी है, जिसमें आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो उल्टे सीधे कंटेंट को, वो भी आप ऑन कर सकते हो। और टाइम ड्यूरेशन भी फिक्स कर सकते हो, 60 मिनट का एक पासवर्ड डाल के अपने बच्चे का, कि वो 60 मिनट से ज़्यादा टिकटॉक नहीं देख पाएगा। वो भी फीचर आप सेटिंग में जाके देख सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने भाई बहन बच्चों के साथ एक ओपन डायलॉग रखें, वो किस प्रकार के वीडियो देखते हैं, किस प्रकार का वीडियो लाइक करते हैं, टिकटॉक हो या यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं भी हो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नेगेटिव पोस्ट जो होती हैं, अगर वो आपको आ रही हैं, तो आपको समझना है कौन सी चीज आपके लिए नेगेटिव है। सैड सॉन्ग्स आप देख रहे हो, उल्टे सीधे वीडियोस देख रहे हैं, गलत स्टंट्स देख रहे हैं, गलत हैशटैग्स देख रहे हैं, गलत चैलेंजेस देख रहे हैं, वो सब गलत है। एक हाथ से ये उठा लिया, एक हाथ से वो कर लिया, दीज कैन डैमेज योर, कई सारी इंजरीज हो सकती हैं आपको। पहाड़ बिल्डिंग पे खड़े होकर ये कर लिया, उल्टे कर लिया, दैट इज नॉट हेल्दी। ये सारे रिस्की चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है, राइट? रिमेंबर, आप बच्चे हैं, सिली हो सकते हैं, फनी हो सकते हैं, बट जितना मर्जी मजे कर लो वहां पर, मगर आपको पॉजिटिव रहना है और एक दूसरे से इज्जत से बात करनी है, यू हैव टू बी काइंड टू ईच अदर, और सेफ्टी बहुत जरूरी है। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आपके माइंड में जो आ रहा है, इज दिस पॉजिटिव और नेगेटिव। सो अब आप मुझे बताओ, इन सब में जो हमने पॉइंट्स बताए, एडिक्शन, बुलिंग, कंपैरिजन, सेफ्टी कंसर्न्स और मेंटल हेल्थ के अलावा और क्या प्रॉब्लम्स है टिकटॉक में, जो और उसके क्या सजेशंस हो सकते हैं वो आप बताइए। फिर ये चीज़ हम टिकटॉक के जो सोशल मैनेजर्स हैं जो हमारे कॉन्टैक्ट में, उनको भेजेंगे कि भैया ये है आपके लिए हमारे सजेशंस। सो प्लीज़ डू सजेस्ट इन द कमेंट बॉक्स और लाइक कर देना। Let's target for some 2-3 thousand likes in this video. Thank you so much. Stay connected. Stay healthy.